हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। एक साल से ज्यादा समय से कैंसर से जूझ रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का लंबे समय से बीमारी के बाद रविवार 17 मार्च 2019 को निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। इससे कुछ समय पहले ही सीएमओ ऑफिस ने ट्वीट कर बताया था कि उनकी हालत गंभीर थी, डॉक्टर अपनी ओर से इलाज की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके निधन की खबर सुनते ही उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। मनोहर पर्रिकर अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। सोशल मीडिया और तकनीकी के नए दौर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की तरह लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अगर वास्तव में सादगी की कोई मिसाल है तो वह थे गोवा के सीएम और पूर्व रक्षा केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मनोहर पर्रिकर ने गोवा का सीएम रहते हुए कई साल तक मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल नहीं किया, वह खुद के घर में ही रहते थे। पर्रिकर की छवि लोगों के बीच एक ईमानदार नेता के रूप में आज भी बनी हुई है। वह वर्ष 2000 में गोवा के सीएम बने थे। मनोहर पर्रिकर जैसा साधारण व्यक्ति के असाधारण व्यक्तित्व का हर कोई कायल था। गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए पर्रिकर कई बार विधानसभा जाते समय सरकारी गाड़ी को छोड़कर स्कूटर का इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ ही वह बिना सुरक्षा किसी भी टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय पीते हुए भी नजर आ जाते थे। पर्रिकर की ये आदतें गोवा के लोगों के लिए एक आम बात थी। वहीं सीएम और रक्षा मंत्री रहते हुए उनकी छवि एक बेदाग नेता की तरह रही। पर्रिकर की इसी बेदाग छवि के कारण ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। पर्रिकर नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 के तक केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। मनोहर पर्रिकर अपनी साधारण वेशभूषा के लिए भी जाने जाते थे। पर्रिकर आमतौर पर शर्ट पैंट में नजर आते थे। जब तक किसी बड़े ऑफिशियल मीटिंग में ना जाना हो, वह साधारण कपड़े पहनना ही पसंद करते थे। अपने बेटे की शादी में भी पर्रिकर हाफ शर्ट, साधारण पैंट और सैंडल पहने हुए लोगों की आवभगत कर रहे थे। वहीं मनोहर पर्रिकर को 16 से 18 घंटे काम करने की आदत थी। बेहद अनुशासित और सख्त प्रशासक माने जाने वाले मनोहर पर्रिकर को मार्च 2012 में पर्यटन मंत्री मात नहीं सल्दना के निधन पर फूट फूट कर रोते देखा गया था। साल 2005 में जब उन पर कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा, तब सल्दना ने ही उनके साथ खड़े रहे थे। पर्रिकर विमान में हमेशा ही इकोनॉमिक क्लास में ही यात्रा करते थे। उन्हें आम लोगों की तरह अपना सामान लिए यात्रियों की लाइन में खड़े देखा जा सकता था। वह मोबाइल और टेलीफोन के बिल का भुगतान अपनी जेब से करते थे। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेझिझक इस्तेमाल करते देखा जाता था। पर्रिकर को नज़दीक से जानने वाले लोग उनकी इन आदतों को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे